राज्य में तमाम प्रयासों के बाद भी दाखिल खारिज के निपटारे धीमी गति में सुधार नहीं हो रहा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर हुई समीक्षा में यह बात सामने आई कि अब तक राज्य स्तर पर 7.44 लाख से अधिक आवेदन लंबित हैं, जिससे जमीन का निबंधन भी प्रभावित हो रहा है। इसमें ज़्यादातर वैसे आवेदन हैं जो 90 दिन या फिर इससे अधिक समय से लंबित हैं। नियमानुसार दाखिल खारिज के आवेदनों को 90 दिनों में निपटारा करने का प्रावधान है। विभाग ने 90 दिनों से अधिक समय से लंबित पड़े आवेदनों की सूची सभी जिलों से मांगी है। बता दें कि निबंधन की संख्या में औसतन करीब 70% की गिरावट आई है। इस आदेश के पहले रोजाना राज्य में औसतन 5000 निबंधन होते थे, जो अब घटकर औसतन 1.5 से 2000 हो चुके हैं। इसका प्रभाव निबंधन से आने वाले राजस्व पर भी पड़ा है। इसमें 60% की कमी आई है। वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार के 23 फरवरी के आदेश के अनुसार जमीन की बिक्री वही कर सकता है जिनके नाम पर दाखिल खारिज होगा। इस अनिवार्यता के बाद से निबंधन में काफ़ी गिरावट आ गई है। लंबित और बिना कारण के बड़ी संख्या में आवेदन रद्द करने को लेकर विभाग ने कुछ समय पहले लगभग 100 CO से सो कॉज किया था। वहीं पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, कटिहार, गया, समस्तीपुर, सहरसा, रोहतास, पूर्णिया, सीतामढ़ी, वैशाली, पश्चिम चंपारण, सारण, नवादा, किशनगंज, भोजपुर, भागलपुर समेत अन्य जिले इसमें शामिल हैं। बता दें पिछले दिनों विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान लंबित मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने का आदेश दिया था। 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का निपटारा जल्द करने तथा जिन मामलों का निपटारा नहीं हो रहा उसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। इसमें दोषी पाए जाने वालों पर पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। वहीं विभागीय समीक्षा में पता चला कि CO स्तर पर ज़्यादातर मामलों में दाखिल खारिज के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, यानी कि आवेदन न स्वीकृत किए जाते रहे हैं और न ही सटीक कारण बताते हुए अस्वीकृत किए जा रहे हैं। इससे लंबित आवेदन बढ़ चुके हैं। वहीं चुनाव कार्य के कारण भी आवेदनों का निपटारा सही वक्त पर नहीं हो पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।